Guys, how are you all? In today's video, I am going to discuss some important MCQs about the crucible that was written by an important and prominent playwright and assist of America, Arthur Miller. The full name of Arthur Miller was Arthur Asher Miller. He was born in 1915 and he was died in 2005. He was died due to heart failure. And in 1935, Arthur Miller became the member of a League of American Writer that was a committee which uh, was launched by um, uh, Communist Party in USA in nineteen thirty five, and he was too much influenced from the McCarthyism Act in America. That's why some impact of the McCarthyism could also be seen or uh, in the in the work the Crucible. Actually, the Crucible is an allegory, or ye allegory is. किस तरीके से वो अब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ एम सी क्यूज को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो मक, आ, ये ऑर्थर मिला था इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क था द डेथ ऑफ द सेल्स मैन द डेथ ऑफ़ द सेल्स मैन ये पब्लिश हुआ था नाइनटीन नाइन के अंदर और इस वर्क पे इसने टोनी प्राइज भी हासिल किया था और पोलिट्रजर प्राइज़ भी हासिल किया था लाइक युजन ओ निल और टेनिसी विलियम ही आठ सौ गोल्ड पोलिट्र प्राइज और बहुत ज़्यादा प्राइज भी हासिल किए थे ये ही कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनट रफ ट्वेंटी सेंचुरी विद युज युजीन ओनिल एंड टेनीसी विलियम ठीक है और ये जो वर्क है अब आप कुछ एम सी क्यू से हम डिसकस करने जा रहे हैं इसके प्ले के द करूसीबल क्रूसीबल इसका एक प्ले था जो इसने नाइनटीन जो इसने 1953 के अंदर पब्लिश करवाया था ठीक है और ये इस प्ले के अंदर इस प्ले पे इसने टोनी अवार्ड भी हासिल किया था ठीक है और ये जो प्ले है हमारे पास ये प्ले एक्चुअली एक, एक एलीगरी है जो बेस करती है एलीगरी किस चीज़ की 1692 और 1693 के अंदर अमेरिका के अंदर जो प्योरिटन यानी जब प्योरिटन्स थे अमेरिका के अंदर उन्होंने कलोनाइज किया हुआ था इन्हें तो उस वक्त प्योरिटन्स का एक ना इवेंट हुआ था दैट इज़ का सेलम विच ट्रेल्स ठीक है ये एलिगरी ऑफ सेलम विच ट्रेल्स ऑफ 1692 है और दूसरे नंबर पे ये एक एलिगरी है नाइन्टीन फिफ्टीज की, की मकार्थी इज़म एक्ट की ठीक है जोसेफ मकारथी एक पर्सन था अमेरिका के अंदर जो एक्चुअली वो ना कैपिटलिस्ट था जोसेफ मकारथी और ये जो हमारे पास औरथर मिलर था ये एक कम्युनिस्ट था जोसेफ मकारी ने भी इसी तरीके से किया था कि हमें ना मकारार्थीज़म का एक्ट के कुछ यानी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये रशिया के अंदर स्टार्ट हुई थी यानी रशिया और कुछ दूसरे ममालिक के अंदर और जोसेफ मकारार्थी ने क्या किया था उसने भी जिस तरीके से सेलमिच ट्रेल्स में हुआ था सेम एज़ इट इज़ जोसेफ मकार्थी ने भी स्टार्ट किया था मकारथीज़म के नाम से एक एक्ट जिसमें में ये था कि वो दोनों में एक ना सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है ये एक एलिगिरी है ना तो एलीगिरी एक तो आप ये याद रखो सिक्सटीन नाइन्टी टू की की है ठीक है विच ट्रेल्स की और दूसरी है नाइन्टीन फिफ्टीज़ की मकारथी इज़म एक्ट की अब सेलम विच ट्रेल्स की किस तरीके से कि जब विच ट्रेल्स हुआ था तो लोगों ने एक दूसरे को विचड़ी के नाम से ना अक्यूज़ करना शुरू कर दिया था और मकारथीज़ में क्या हुआ था कि जो मकारथी जो मकारथी था उसने अपने ही बेनिफिट के लिए अपने ही पर्पस के लिए लोगों को कम्युनिस्ट कहना शुरू कर दिया था और वो खुद एक कैपिटलिस्ट था और ये होता था कि जो भी कम्युनिस्ट होता था उसको पकड़ लिया जाता था ठीक है और इसी तरीके से सिक्सटीन के अंदर सेलम विच ट्रेल्स के अंदर जो विचड़ी करता था यानी विचड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता था वो पकड़ा जाता था और सेम ऐसा ही हमारे पास क्रूसीबल के अंदर हो रहा है कि यहाँ सेलेमिच ट्रेल्स दिखाया गया है ठीक है और सेलेमिच ट्रेल्स ये है कि जो भी विचरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो पकड़ा जा रहा है और यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो ही हैंगड किया जा रहा है उसे पकड़ा जा रहा है दैट्स वाई कि हमें एज़ आ ट्रेजडी ऑफ प्रोक्टर हमें देखने को मिलती है यानी एक ट्रेजडी देखने को मिलती है और इट्स मेन करैक्टर जौन प्रोक्टर की ठीक है ठीक है तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक बेसिक फैक्टर और इसको मैंने एज एन एलिगरी किस तरीके से हमने क्वेश्चन को डील करना है उसका एक व्यू दिया है ठीक है और बाकी जो इवेंट्स किस किस यानी ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये एक एलिग्री थी बाकी जहाँ जहाँ जिस जिस को इसके अंदर अक्यूज़ किया गया है वो हम इसके साथ रिलेट करके लिखते जाएंगे ठीक है और अब हम बात करते हैं इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में अब टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है ये जो क्रूसीबल है ना ये एक एक्चुअली ये एक सिम्बोलिक टाइटल यूज़ किया है और मिलने वो किस तरीके से अगर हम क्रूसी का एज अ डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो डिक्शनरी मीनिंग में ये रेफर करता है किसी ऐसे कंटेनर को दैट इज़ यूज टू हीट मेटल्स ऑन हाई टेम्परेचर ठीक है हाई टेम्परेचर में मैटर को हीट करने के लिए जो ना कंटेनर यूज होता है उस पर और ये इसी तरीके से ये ये भी है डिक्शनरी मीनिंग में डिक्शनरी मीनिंग में कि ये क्या करता है ये जो कंटेनर है क्रूसीबल ये प्योर मटेरियल को इन प्योर मटेरियल से सेपरेट कर देता है ताकि जो प्योर मटेरियल है ना उसे कोस्ट किया जा सके अब सेम एज द केस विद दिस स्टोरी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ क्रूसीबल यानी जो मैंने बताया ना ये हीट हाई हीट पे बात करते हैं हाई हीट का बयान कर रहे हैं या हाई टेम्परेचर पर तो यहाँ हमें हीट ऑफ हिस्टीरिया देखने को मिलती हैं हीट ऑफ हिस्टीरिया ठीक है और सेलेमिच ट्रेल्स तो वो हिस्टीरिया की हीट कैसे क्रिएट कर होती है जो एबीगेल विलियम है वो इसके अंदर थ्रू जस्ट अपनी जेलसी के लिए वो हिस्टीरिया क्रिएट कर दे, देती है कि हमने विच को देखा है तो जिसकी वजह से सेलेलोमिच ट्रेल स्टार्ट हो जाता है और यही जो हमारे पास एक क्रूसिबल एक बात को सिंबल कर रहा है कि जो प्योर पर्सन को यानी इन प्योर मटीरियल को प्योर से सेपरेट कर देना एक तो ये होगा यानी जिस तरीके से यहाँ भी ऐसे हो रहा था कि वो जो विचरी को एक्सेप्ट नहीं करता वो सेपरेट किए जा रहे थे ठीक है और इन जस्टिस यही वजह है कि हमें यहाँ इन जस्टिस देखने को मिलता है और इसका एक और आप टाइटल सिग्निफिकेंस में हम लिख सकते हैं कि दैट क्रूसीबर रेफर्स टू द स्ट्रिक पनिशमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ द पीपल ठीक है स्ट्रिक पनिशमेंट दिखाई गई है और एक ही जैसे कि प्रोक्टर की पनिशमेंट हमें कैसे देखने को मिलती है पहले तो वो अडल्ट्री करता है और फिर बाद में कुछ उसका प्राइड होता है या अपने नेम के लिए अपनी फेम के लिए या कुछ रेपोटेशन के रेपूटेशन uh, के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से ये जो टाइटल है हमारे पास एक सिम्बोलिक टाइटल शो है करता है सिम्बोलिक टाइटल उसने लिया है जो शो करता है विच ट्रेल्स को हिस्टीरिया ऑफ द पनिशमेंट को या हीट ऑफ हिस्टीरिया को जिस तरीके से के साथ हुआ ठीक है तो ये तो था इसका एक सिम्बोलिक टाइटल अब हम इसके कुछ एम को डिस्कस करते हैं फर्स्ट एम सी क्यूज है वट काइंड ऑफ गवर्नमेंट गमेंट डलम हैव इन द क्रूसीबल तो कौन सी गवर्नमेंट दिखाई गई थे गवर्नमेंट दिखाई गई है अब ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है इन विच प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ द गॉड यानी प्रीस्ट एज अ नेम ऑफ द गॉड रूल कर रहे होते हैं एम सी क्यूज नंबर टू वट इज पेरिस पोजिशन इन द सेलम तो पेरिस की पोजिशन क्या थी वो एक मिनिस्टर था एम सी क्यूज नंबर थ्री बिफोर द प्ले बिगिनस वट डिड पेरिस कैच हिज डॉटर एंड अदर गर्ल्स टू तो वो क्या कर रही थी दे वर डांसिंग इन द फॉरेस्ट एम सी क्यूज नंबर फोर एज द प्ले ओपन्स होम हैज पेरिस आस्ट टू कम टू सेलम तो वो रेवरेंट हेल को आने के लिए कहता है ठीक है रेवरेंट हेल उसके आने के लिए कहता है ताकि वो आके देखे और इसकी बेटी को कि उसे क्या हुआ है क्योंकि उसे डॉक्टर कहते थे कि इसकी जो डिजीज़ है वो एक अननेचुरल डिजीज़ है एम सी क्यूज नंबर फाइव हु वाट इज़ जॉन प्रोक्टर्स चीफ कंप्लेंट अगेंस्ट पेरिस सरमन ठीक है उसके सरमन के अगेंस्ट उसकी चीफ क्या थी कंप्लेंट क्या थी फोकस ऑन द फायर एंड फोकस ऑन सॉरी ब्रिमस्टोन तो ए और बी इसका दोनों आंसर है एम सी क्यूज नंबर सिक्स वॉट डस मिसिस पुटन ब्लेम ऑन विच क्राफ्ट तो वो क्या ब्लेम करती हैं दैट डेथ ऑफ सेवन ऑफ हर चिल्ड्रन क्योंकि इसके अंदर मिसिज पुटनम के अंदर, अंदर कुछ सुपरस्टिशियस ना कॉन्सेप्ट देखने को मिलता मतलब है सुपरस्टिशियस नेचर दिखाई गई है तो यहाँ से जब विच ये कहा जाता है ना कि यहाँ विच क्राफ्ट है तो वो भी यही समझते कि मेरे जो सात बच्चे की डेथ हुई है ना वो भी विच क्राफ्ट की वजह से हुई है एम सी क्यूज नंबर सेवन हु इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट एबिगेल क्लेम्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस्ड विच क्राफ्ट तो टट्यूबा तो अब ट्यूबा कौन सी थी ये जो रेवरेंट पेरिस की ये सर्वेंट थी ठीक है और ये एक ब्लैक वमेन थी और बारबडस से आई थी एम नंबर एम नंबर एट इन एक्ट टू वट डस मैरी वेरन गिव टू अलिस्जब प्रोक्टर वेन शी रिटर्न होम फ्राम द ट्रायल्स तो वो उसे एक डोल देती है एक्चुअली मैरी वेरन ये खुद भी ना उसके जब वो डांसिंग कर रही थी ना गर्ल्स तो ये उनके साथ ये भी थी और ये अक्यूज़ करती है लेटर ऑन जॉन प्रोक्टर को और यह कह के जॉन प्रोक्टर ने मुझे मना किया था यानी जॉन प्रोक्टर पर इल्ज़ाम लगा देती है ये लास्ट पर एम सी क्यूज नंबर नाइन विच कमेंटमेंट डज जॉन प्रोक्टर फॉर गेट वेन रेवरेंट हेल क्विजिस हिम तो वो क्या भूल तो जाता है थाउ शार्ट नॉट कमिट अडल्ट्रीन यू शुड नॉट कमिट अडल्ट्री ये कहना उसे भूल जाता है एम सी क्यूज नंबर टेन होम डू चीवर एंड हीरिक ये जो दोनों हैं ये कोर्ट के मेंबर हैं ठीक है थीके? जो जो भी पर्सन को अक्यूज़ किया जा रहा है ये उनको घर में लेने आते हैं द मार्शल कम टू द प्रोक्टर होम टू अरेस्ट तो वो अलिजबेथ प्रोक्टर को अरेस्ट करने के लिए आते हैं क्योंकि ये जो डोल ला के वो उसे घर में देती है ना एक्चुअली वो डोल ना उसके ऊपर नीडल्स लगी होती हैं और उनका ये एक प्लान होता है कि वो डोल एलिजब को देगी और वो उसे अक्यूज़ करेगी एबिगेल के थ्रू ठीक है एबीगेल उसे ना डोल के थ्रू अक्यूज़ करेगी एम सी क्यूज नंबर इलेवन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द कोर्ट तो डेन फोर्थ वॉज द चार्ज ऑफ द कोर्ट एम सी क्यूज नंबर ट्वेल्व वाई विल एलिजबत्थ नॉट बी हैंग इफ़ शी इज़ फाउंड गिल्टी बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट एम सी क्यूज नंबर थर्टीन ऑन वट चार्ज इस गर्स अरेस्टेड किस चार्ज पर उसे किया गया था बिकॉज ही ऑफ कोर्ट ठीक है एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन हु इज ब्रॉट इन टू दॉरबरेट जॉन प्रोक्टर्स क्लेम अबाउट एबिगेल तो एबिगेल एलिजब प्रोक्टर एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन वट डज एलिजब डू वैन कार्ड अपॉन टू तो आए। तो टेस्टिजथ झूठ बोल देती है अपने शोहर को बचाने के लिए जॉन प्रोक्टर को ठीक है एम सी क्यूज नंबर सिक्सटीन वट अल्टीमेटली हैपन्स टू द जोन प्रोक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले तो ही वॉज हैंग्ड ठीक है ही इज हैंग ये एम सी क्यूज का सही आंसर एम सी क्यूज नंबर सेवनटीन वट ऑफ गवर्नमेंट ये हो चुका है रिपीट है क्वेश्चन ठीक है एम सी क्यूज नंबर एटीन वट डज एबिगल अक्यूज ट्यूबा ऑफ मेकिंग हर ड्रिंक ब्लड एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन वट विल हैपन टू द दूज विच इज़ इफ दे डू नॉट कन्फेस्ट तो दे विल बी हैंग एम सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन वट ईयर डिड द प्ले टेक प्लेसटी नाइनटी टू ये मैंने बताया जो सैलविट ट्रेल्स जो सिक्सटीन नाइनटी टू में हुआ था तो ये इसकी सेटिंग एज एन एल एग्री वहाँ वहाँ टेक प्लेस किया गया लेकिन ये पब्लिश हुआ था नाइनटीन फिफ्टी थ्री के अंदर अकॉर्डिंग टू डॉ ग्रिग्स ग्रिज्स वट इज़ पॉसिबल कोर्स ऑफ रेवरेंट पेरिस डॉटर इनस तो उसकी कोर्स क्या थी अननेचुरल नेचुरल थी वट वर बैटी एंड एबीगेल डूइंग इन द फॉरेस्ट वेन रेवरेंट पेरिस फ्राइटेंड म देर डांसिंग एंड कंजरिंग स्पिरिट्स विद टिट्यूबा एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी थ्री वट डू दुटनम एंड रेवरेंट पेरिस हैव इन कॉमन तो पुटनम और रेवरेंट पेरिस में क्या कॉमन था दे हैविक और बी विच डॉटर ठीक है रेवरेंट पेरिस की डॉटर भी और पुटनम की डॉटर भी ओके एमसीक्यूज नंबर ट्वेंटी फोर वेन टिट्यूबा एबिगेल एंड बैटी क्राई आउट द नेम सर्टन इंडिविजुअल एस विच इज वैन वट आर द नेम्स ऑफ दीज तो ये सारे नाम परसन्स के नाम वो ना कराए करती है और ये एक तरह का ना जूठा ड्रामा होता है जो वो कोर्ट के सामने परफॉर्म करती हैं एम सी क्यूस नंबर ट्वेंटी फाइव वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवर पेरिस एंड बैटी देवर फादर एंड डॉटर। वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टट्यूबा एंड रेवरेंट पेरिस तो जो टट्यूबा थी वो उसकी सर्वेंट थी एम सी क्यूस नंबर ट्वेंटी सेवन हु आर एन एंड पुटनम तो रुथ रुथ के पेरेंट्स थे ठीक है एन और थॉम्स पुटनम व्हाट इज़ एन एंड थॉम्स मोटिवेशन बिहाइंड द सजेशन दैट बैटी इज बिविस्ट तो दैट वाज़ रिवेंज एम नंबर ट्वेंटी नाइन हु इज़ मैरी लिविस रिलेटेड टू पुटनम तो मैरी लिविस उसकी सर्वेंट थी ठीक है मर्सी लिविस सॉरी मर्सी लिविस मैरी तो उसकी थी प्रोक्टर की सर्वेंट है ठीक है और मर्सी लिविस इसकी एम नंबर थर्टी हु इज़ जॉन प्रोक्टर्स प्रोफेशन तो जॉन प्रोक्टर का प्रोफेशन इसमें एक लॉयल फार्मर दिखाया गया है हु इज़ एलिजबेथ प्रोक्टर शी वॉज द वाइफ ऑफ जॉन प्रोक्टर हु इज़ रिबिका नर्स तो रिबिका कौन थी एक नर्स भी थी वाइफ ऑफ फ्रांसिस भी थी शी वॉज आलसो अक्यूज अक्यूज भी किया गया था तो करेक्ट आंसर इज डी एम सी क्यूज नंबर थर्टी थ्री वट गिफ्ट डिड मैरी वे एंड गेव अलिस्बत्थ तो वो उसे एक पपिट देती है ठीक है ऑन द रिटर्निंग ऑफ कोर्ट तो वो शी बिकेम द एन ऑफिशियल मेम्बर ऑफ द कोर्ट तो वो जब वो वापस आती है तो ये मेरी इनकी सर्वेंट होती है तो जो वापस आती है कोर्ट से तो वो उसे एक पपड़ देती है एम सी क्यूज नंबर थर्टी फोर गर्ल्स कॉरे थिंग्स पुटनम इज़ अक्यूजिंग नेबर ऑफ विच क्राफ्ट बिकॉज पुटनम वांट्स टू गेन देयर लैंड एम सी क्यूज नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट करेक्टराइज मैरिंग वेलन मेरी वारन ठीक है शिवाज अगलीबल तो क्योंकि पहले वो अपनी एक तरफ वो ये कह रही होती है कि वो प्रोक्टर के लिए गवाही दे गई कि ये जो पपेट है ये जानबूझ के एबीगेल ने इसके ऊपर ना नीडल्स लगाई हैं लेकिन लास्ट पर वो चेंज हो जाती है एम सी क्यूज नंबर थर्टी सिक्स वेन मेरी सेज़ दैट कराउड पार्टिड फ्राम एबिगेल लाइक द सी फॉर इस्ट शी मेक्स एन एल्यूजन ऑफ द बाइबल ठीक है तो ये जो प्ले था ना ये लिखा गया था मैंने आपको बताया है सिक्सटीन नाइन्टी टू में प्योरिटन एज के दौरान ठीक है उसके अंदर जो विच क्राफ्ट हुआ था तो इसके अंदर वो एक प्योरिटन राइटिंग लिखता है एक तो राइटिंग वो प्योरिटन यूज़ करता है और दूसरे नंबर पे बिब्लिकल लैंग्वेज यूज़ करता है दैट्स वाई ही आल्सो यूजिस एल्यूजन टू द बाइबल ठीक है एम नंबर थर्टी सेवन वट डज़ अलिजबत्थ लाई अबाउट तो अलीजबत्थ किसके बारे में बोल सकती है वाई शी फायर्ड अबिगल ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज एम सी क्यूज नंबर थर्टी एट बिसाइड्स बेटी पेरिस फॉल्स इन टू अ पर्टिकुलर पर्टुलर ट्रेस तो बेटी के अलावा जो पुटनम की बेटी थी रूथ शी वॉज आल्सो सफर्ड अच्छा एम सी क्यूज नंबर थर्टी नाइन वट मेक्स रेवरेंट हेल डिफरेंट फ्रॉम रेवरेंट हैरिस तो हिज क्रिटिकल ऑब्जेक्टिविटी एम सी क्यूज नंबर फोटीन वट डज थॉम्स पुटनम होप टू गेन फ्रॉम द विच ट्रेल्स तो वेल्थ एंड लैंड ये हमने पहले भी एम सी क्यूज़ किया है एम सी क्यूज नंबर फोर्टी वन हु आस्कूबा टू परफॉर्म वुड डो रिचुअल तो एबी विलियम कहती है एक्चुअली एबीगेल विलियम आल्सो फॉल विद जॉन प्रोक्टर एंड और अडल्ट्री में भी रह चुकी थी तो इसलिए वो uh, इसी ये जो सारी विच ट्रेल्स है ना ये एबीगेल ही क्रिएट करती है ठीक है एम सी क्यूज नंबर फोर्टी टू वट डज़ एलिजब बिलीव दैट जॉन प्रोक्टर हैज़ एट द एंड ऑफ द क्रूसिबल गुडनेस वट ड ड्राइव्स एबिगेल टू बिगिन द हिस्टेरिया तो उसकी जेलसी की वजह से वो जेलस थी वो उसकी एलिजबेथ से ठीक है तो उसकी जेलसी हिस्टेरिया ऑफ विच क्राफ्ट को क्रिएट कर देती है एम सी क्यूज नंबर फोर्टी फोर वाई डज़ एबिगेल विलियम्स लीव विद रेवरेंट पेरिस बिकॉज शी इज हिजनीस और एट द एंड ऑफ द प्ले हम देखने को मिल देखते हैं कि ये जो एबिगेल है वो भाग जाती है इसके पैसे चुरा के एम सी क्यूज़ नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर इज़ नॉट कंड विद फॉर विचरी तो गर्ल्स है हमने ये पढ़ा कि गर्ल्स कोरे कंटेमर ऑफ द कोर्ट की वजह से इसको अरेस्ट किया गया था इस पर विचरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था ठीक है एम सी क्यूज़ नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर डज नॉट स्पोज डोंट प्रोक्टर डिसीजन टू फास्टली एडमिट द टू विच क्राफ्ट तो एलिजबेथ प्रोक्टर शी वॉज द वाइफ ऑफ जॉन प्रोक्टर हु योर जस्टिस वुड फ्रीज बियर टू होम डज दिस लाइन रेफर तो एलिजब जॉन प्रोक्टर को यह कहती है एम सी क्यूज़ नंबर फोर्टी एट वट डज द कॉमन कॉमेंटमेंट दैट प्रोक्टर फोर गेट कंसर्न तो अडल्ट्री ये फर्स्ट पेज पर भी हमने इसको डिस्कस किया है क्विजिस के अंदर के वो इसको नहीं कहता एम सी क्यूज़ नंबर फोर्टी नाइन ही क्रूसिबल is an allegorical tale that relates most strongly to which contemporary इवेंट for adultery uh, for for, मिलर तो ये कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट मैंने बताया मकारार्थी हेयरिंग ठीक है जो मकार्थीजम क्या अभी discuss किया नाइनटीन फिफ्टीज का वो एम सी क्यूज नंबर फिफ्टी और uh, ये लास्ट एम सी क्यूज है विच करेक्टर इज द इन द प्ले इज कंपेयर टू पों पोंटियस पायलट तो रेवरेंट हेल को कंपेयर किया गया है पोंटियस पायलट के साथ ठीक है तो ये कुछ एम थे अबाउट क्रूसीबन ये जो क्रूसीबल है ये ऑथर मिले का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो एलिगरी पे बेस्ड है अब ये याद रखना है कि ये एलिगरी पे बेस्ड है एक वर्क ठीक है और ये जो मैंने अभी टाइटल सिग्निफिकेंस इसकी बताई है वो टाइटल एज अ मेटाफोरिकली बयान करता है मेटाफर के तौर पर वो टाइटल को लेता है और उसको ना रिलेट करता है उसके साथ विचरी के साथ खेलें विच ट्रेल्स के साथ तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टूडेज़ वीडियो इफ़ यू हैव एनी ग्री यू कैन आस्क मी अल्लाह हाफिज़